हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त टीना मसी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने हाइबिस्कस के प्लांट को, जो मैंने अपने हाथों से ग्रो किया है। कटिंग लगाई थी, देख सकते हैं आप, और इस पे फर्स्ट टाइम ये फ्लावर आया है। फ्रेंड्स, तो मेरा दिल किया मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊं। जब अपने हाथों से कोई प्लांट तैयार करते हैं फ्रेंड्स, वाकई में बहुत खुशी होती है। तो मुझे इसी का इंतज़ार था फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो ये फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट टाइम गार्डन में आया है फ्लावर, और फर्स्ट टाइम इस प्लांट पर आया है ये। और ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया हुआ प्लांट है फ्रेंड्स। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, देख सकते हैं आप, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले इस पर कभी फ्लावर नहीं आए फ्रेंड्स। मैंने इसमें 3 महीने के अंदर अंदर इसकी कटिंग लगाई, 3 महीने में इसने फ्लावर देना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर हम अपने हाथों से कटिंग लगाते हैं और उसकी थोड़ी देखभाल करते हैं तो जल्दी से फ्लावर आने की हो जाती है कि जल्दी से फ्लावर आ जाए। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। और देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, और ये बर्ड भी देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स बस यही शेयर करने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा प्लांट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा फ्लावर कैसा लगा। तो फिर चलती हूँ मैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। ओके फ्रेंड्स, बाय।